पिछले साल बजट में सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की भारी कटौती की थी। इस बजट 2022 में भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए। वर्तमान में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% है। रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद GJEPC की मांग है कि इसे घटाकर 4% किया जाए। इसके अलावा पॉलिश्ड डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% करने की मांग की गई है। ज्वेलरी काउंसिल ने कहा है कि सरकार को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से निर्यातकों को 10% पॉलिश्ड डायमंड पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। इस सेक्टर की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्पेशल पैकेज की भी मांग की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया था। अब इसे घटाकर 4% करने की मांग की जा रही है। इस इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगी तो गोल्ड स्मगलिंग में कमी आएगी। इससे सरकार के खजाने में ड्यूटी के ज़्यादा पैसे आएंगे और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी। भारत पहले के मुकाबले ज़्यादा ज्वेलरी निर्यात करेगा। सरकार की मजबूरी ये है कि आयात बढ़ने से उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। भारत बड़े पैमाने पर तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इम्पोर्टर है। निर्यात कम होने और आयात ज़्यादा होने का सीधा असर सरकारी खजाने पर जाता है। यह ट्रेड डेफिसिट को दिखाता है। वर्तमान में इकोनॉमी की जो हालत है उसे देखते हुए सरकार को अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021 में देश का सोने का आयात 2 गुना से भी अधिक होकर $38 अरब पर पहुंच गया। मांग ऊंची रहने से सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल दिसंबर 2020 में सोने का आयात $16.78 अरब का रहा था। दिसंबर 2021 में सोने का आयात बढ़कर $4.8 अरब हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में $4.5 अरब रहा था। अप्रैल से दिसंबर 2021-22 के बीच निर्यात 49.66% बढ़कर $301.38 अरब हो गया। इस अवधि के दौरान आयात 68.91% बढ़कर $443.82 अरब हो गया, जिससे व्यापार घाटा $142.44 अरब हो गया। अप्रैल से दिसंबर के बीच देश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $301 बिलियन पर पहुंच गया। अप्रैल दिसंबर के बीच ओवरऑल एक्सपोर्ट 36% के उछाल के साथ $489 अरब रहा, जबकि ओवरऑल इंपोर्ट 57.33% के उछाल के साथ $547 अरब रहा। इधर अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड जैसे प्रमुख देशों में अच्छी मांग के चलते रत्न और आभूषण का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान 5.76% बढ़कर $29.08 अरब पर पहुंच गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद GJEPC ने शुक्रवार को कहा कि दिसंबर 2021 में निर्यात 29.49% की वृद्धि के साथ $3.04 अरब रहा। GJEPC के चेयरमैन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड और इसराइल जैसे प्रमुख व्यापार केंद्रों में अवकाश और त्योहारी मांग अधिक रही। यह रफ्तार वित्त वर्ष के अंत में भी जारी रहेगी और हम $41.67 अरब के निर्यात के तय लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। बयान के अनुसार तराशे और पॉलिश वाले हीरो का निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच 23% बढ़कर $18 अरब था, जो स्वर्ण आभूषणों का निर्यात 25.41% की वृद्धि के साथ $6.91 अरब पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।